नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बोल पिचासी। आज उदित राज जी ने अपने आवास पर EVM में वोटिंग की कैसे चोरी होती है उसका एक डेमो यहां पर दिखाया था, किस प्रकार से वर्तमान सरकार जो है वो वोटों की चोरी करके सरकार बना रही है राज्यों में और केंद्र में। 2024 का चुनाव जो है वो की घोषणा होने वाली है और उसी को लेकर के सारी जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो सजग हैं। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट ओम सुधा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस प्रकार की मीटिंग से या लोगों को अवेयर करके आपको लगता है कि सरकार पर या चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा सकता है? देखिए, एक बात तो तय है कि जो EVM के खिलाफ आंदोलन है इस देश में, जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक EVM पर जो है बड़ा वार जो है निर्णायक वार नहीं हो सकता है। आप एक बार कैमरा उस तरफ घुमा दीजिए, देखिए ऐसे लोग आए हैं और हर तीन दिन चार दिन में ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जो है नॉर्थ एवेन्यू है, यहाँ लोग इसी तरह आकर जुट रहे हैं और बात कर रहे हैं। इसमें से कोई एक पब्लिक नहीं, सब लोग नेता हैं, हर आदमी के साथ सैकड़ों हजारों, किसी के साथ लाखों लोग हैं। तो जिस तरह से EVM के खिलाफ माहौल बन रहा है उससे अब लग रहा है कि पहली बार EVM का मामला जन आंदोलन का रूप ले रहा है और जब तक जनता EVM के सवाल पर सड़क पर नहीं आएगी, जो अब आना शुरू हो गया, इसी को कहते हैं सर उठाना। आप खुले में पार्क में मीटिंग कर रहे हैं, EVM को किस तरह हैक किया जाता है उसका जो है डेमो आज हम लोगों ने दिखाया है। तो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और पूरी रूपरेखा तैयार है कि हम लोग आने वाले एक दो महीने में दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम, रामलीला मैदान भरने का काम करेंगे, जंतर मंतर भरने का काम करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर हम ताला लगाने का काम। आप कह रहे हो कि जनता की ये तैयारी, जनता की तैयारी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जो हैं जिनको MP बनना है, MLA बनना है, वो राजनीतिक लोग जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जिनको सरकारें बनानी है, वो मुखर होकर के अभी तक चाहे तो कांग्रेस और चाहे कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन है तो जो घटक दल है वो अभी तक मुखर होकर के इस पर नहीं बने। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि EVM का मामला सिर्फ जो है राजनीतिक दल का मामला है। EVM का मामला मुझे लगता है सीधे तौर पर जनता से जुड़ा हुआ मामला है। जनता तो वोट दे रही है ना, लेकिन उससे जुड़ा नेता तक नहीं पहुँच रहा तो नेता को भी तो सावधान होना चाहिए। मैं राहुल जी दूसरी बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अब राजनीतिक दल अपनी भूमिका निभाए। हम एक नागरिक के तौर पर मुझे यह लगता है कि मैंने किसको वोट दिया मुझे पता रहना चाहिए कि मेरा वोट सही जगह पर गया। मैं नागरिक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा हूँ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा हूँ कि समाज में लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ और एक संगठन के तौर पर लोगों को संगठित करने का काम किया जा रहा है। हम जो कर सकते हैं दूसरे का मुँह ताकने से अच्छा है कि हम क्या कर सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब लड़ाई लड़ी तो दूसरे का मुँह तो ही ताक रहे थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद लड़ रहे। तो हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, संविधान में हमारी मान्यता है, तो हम खुद लड़ रहे हैं, हमने अपनी तरफ से शुरुआत कर दी है। अब राजनीतिक दलों को तय करना है कि EVM के मुद्दे पर वो जनता के साथ खड़े होते हैं या नहीं खड़े होते हैं, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से EVM के खिलाफ छोटे बड़े आंदोलन शुरू हो गए हैं इतना तो तय है कि जनता का मिजाज अब EVM के खिलाफ है। और चुनावी राजनीतिक दल जब EVM के खिलाफ बोलते हैं लोग तरह तरह की बात करते हैं कि वोट हो गया तब बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं, तब क्यों नहीं बोले, लेकिन यह जनता का मिजाज है। जनता राजनीतिक दलों के पीछे नहीं जा रही है, अब जनता ने आगे आकर EVM के सवाल को अपनी अस्मिता का सवाल बना लिया है, EVM को अपना संघर्ष बना लिया है जनता ने। अब राजनीतिक दल तय करें कि जनता के इस सवाल पर जनता के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि EVM अब मेरी नज़र में राजनीतिक दलों का सवाल नहीं है, जनता का सवाल। आप कह रहे हैं कि जनता का सवाल है, लेकिन सवाल फिर एक और निकल करके आता है कि जो लोग EVM को लेकर के आंदोलित हैं, एक तो भानु प्रताप एंड ग्रुप है, एक आप भी काफ़ी लंबे समय से इसको चला रहे हैं, जो EVM का विरोध कर रहे हैं, जो गैर राजनीतिक संगठन है, चाहे वो NGO है, चाहे वगैरह कुछ और है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के एक साथ इसका विरोध नहीं कर पा रहे। बात प्लेटफॉर्म की है ही नहीं, इतना बड़ा देश है, 25 करोड़ लोगों का देश है, अलग अलग संगठन के लोग, सब लोग, आप सिर्फ दिल्ली का दो उदाहरण देते हैं, दिल्ली में दो ही उदाहरण है, और भी कई उदाहरण है, बॉम्ब से लड़ रहा है पूरे देश में, परिसंघ लड़ रहा है, बाबा साहब के नाम पे चलने वाले तमाम संगठन
बीबीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और इसको अलग अलग मंच पर अलग अलग संगठन एक जगह आप कहते हैं कोई एक मंच कौन सा एक सा मंच है, तो ये इस बात को कहना जो है मुझे नहीं लगता कि यह तार्किक और कोई बात है, इसमें कोई दम है। लड़ाई लड़ी जा रही है ये बड़ी बात है, इतना बड़ा देश है, इतने लोग हैं, कई संगठन है, सब लोग अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुद्दा ये है कि ईवीएम के खिलाफ सब लोग अब लड़ रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हो कि सब लोग लड़ रहे हैं, लेकिन फिर मैं वहीं आऊँगा घूम करके कि कांग्रेस एक बड़ा अराजनीतिक दल है, विपक्ष की बड़ी पार्टी है और वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी या उनके नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, आपको नहीं लगता है कि जब तक राजनीतिक पार्टियाँ इस पर दबाव नहीं बनाएंगी चुनाव आयोग पर, जब तक वो मुखर होकर के नहीं बोलेंगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तो बेकार कहीं ना कहीं ताकत जो लगाई जा रही है। आपकी बात से एक हद तक सहमत हुआ जा सकता है, लेकिन अब राजनीतिक दलों का भी ध्यान तभी जाएगा जब यह जन आंदोलन का रूप, तो जन आंदोलन करके नेताओं पर, राजनीतिक पार्टियों पर दबाव बनाया जा सकता है। जैसे आज ही तय हुआ है, आज जो हम लोगों ने मीटिंग की, इसमें कमेटी बनी है जो कि विपक्ष के नेताओं का घेराव करेगी कि ईवीएम पर आप चुके, एक रणनीति बनी। तो हमारा सवाल सिर्फ सरकार और सत्ता से नहीं, आप जो बात कह रहे हैं उस सवाल पर भी हम काम कर रहे हैं कि विपक्षी दलों को भी जनता के नब को समझना होगा, जनता की मांग को समझना होगा और जनता के साथ आकर खड़े होना, जनता के साथ आकर के खड़े होना होगा। आप डॉक्टर ओमशुदा हैं और खास तौर से कहना है जो बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जब तक आम जनमानस तक नहीं पहुँचेगी और जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो इस पर मुखर होकर के नहीं बोलेंगी और वो जब तक चुनाव आयोग पर दबाव नहीं बनाएंगी तब तक शायद सफलता मिलना बड़ा कठिन है। वही बात डॉक्टर उदित राजनाथ जी ने कही कि हम लोग कांग्रेस पर भी दबाव बनाएंगे, तमाम जो इंडिया के घटक दल हैं उन पर भी दबाव बनाएंगे और जब दबाव बनेगा तो शायद कुछ अच्छे परिणाम आएंगे, अन्यथा जिस प्रकार से वामसेप और भानु प्रताप जी का ग्रुप और बहुत सारे संगठन ईवीएम को लेकर के थोड़े से उग्र तो हैं, विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। सफलता इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पास में ताकत और शक्ति नहीं है।